अल्लाम फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं सुबह का जी नाश्ता हो गया था उसके बाद मैंने देगची में से सालन जो है वो छोटे बर्तन में निकाला क्योंकि बड़ी देगची जो है वो फ्रिज में स्पेस भी नहीं रहती और बड़ी अच्छी भी नहीं लगती तो छोटे बर्तन में करके बर्तन शर्तन खाली किए हैं अब इनको मैं धोगी इसके बाद किचन की सफ़ाई होगी और फिर घर के बाकी काम आजकल तो जी हर कोई जो है पैसे के पीछे भाग रहा है पैसे का लालच इस कदर ज़्यादा हो गया है कि एक दूसरे की जान की परवाह भी नहीं करते रात नुमान बता रहे थे कि एक गांव में उनके फ्रेंड के भाई को उनके हम साए ने कत्ल कर दिया सिर्फ ज़मीन के छोटे से जो टुकड़े का था वो मसला चल रहा था थोड़ी सी लड़ाई हुई और जी फायरिंग हुई और उसने उसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा था हम जो है इंसान उस मकसद को भूल गए हैं अल्लाह ताला को भूल गए हैं और जो दुनिया की हवस है वो पैसा दौलत वगैरह उसके पीछे सब लग गए हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करें और लोगों को जो है हदायत दें दीन इस्लाम की हिदायत दें हाँ जी छोटे जो बर्तन थे वो तो मैंने धो लिए थे अब ये देखतियाँ थी दूसरे बर्तन फिर भी आसानी से धुल जाते हैं ये देखतियाँ मुझे धोना बहुत मुश्किल लगता है तो जी अब ये देख जियाँ धुलेंगी और मेरे बर्तन हो गए हैं जी ख़त्म अब मैं इनको सेट करूँगी जगह पे रखूँगी शेल्फ साफ़ करूँगी अक्सर मेरी कोलीग्स फ्रेंड्स कहती हैं कि आप सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं बेटी भी आपकी छोटी है और आपने यूट्यूब चैनल भी बना लिया और ये कैसे सारा कुछ जॉब भी करती हैं कैसे मैनेज करती हैं तो मैं यही कहती हूँ कि जी आ, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कोई सपोर्ट ना हो तो मेरे घर में जो है वो सारे सपोर्टिव हैं और कभी कोई मसला नहीं आया यूट्यूब चैनल जब बनाया तो आंटी ने बोला कि हाँ हाँ ज़रूर बनाना चाहिए तो जैसे तुम्हारा दिल करता है तुम करो और हर तरह की सपोर्ट जो है वो मिलती है ये सपोर्ट ही है जो इंसान को मोटिवेट करती है कि जी हाँ मुझे ये करना चाहिए नहीं तो अगर इंसान सोच भी लेकिन ले ले घर वाले कह दें कि लो इसमें क्या है ये है वो है तो जो, जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो पे चली जाती है तो जी बस ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इतने सपोर्टिव जो है वो ससुराल वाले मिले किस कभी कोई किसी का मसला नहीं आया तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करें मेरी किचन की सफाई जैसे ही कंप्लीट हुई तो जी नुमान उठ गए उनका भी नाश्ता रहता था उन्होंने बोला कि सालन से तो नहीं मैंने करना तो आप मुझे ऑमलेट बना के दें तो जी अब उनके लिए ऑमलेट बनेगा और आंटी उनके लिए बनाएंगी पराठा तो वो नाश्ता करेंगे सब जो है वो खाना और नाश्ता इकट्ठे करते, करते हैं लेकिन नुमान ने जब खाना अच्छी तरह ठंडा हो जाता है तब आना होता है और नाश्ता भी जब लेट सब करके फ्री हो जाए तब उठना होता है तो इनका जो स्केज है वो सबसे डिफ़रेंट ही चल रहा होता है यहाँ जी मैंने सारा मटेरियल तैयार किया अंडे के अंदर दूध डाल के मिक्स किया उसके अंदर अब मसाले डालूंगी और जी ऑमलेट के लिए अंडा तैयार है हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कल रेहान बता रहा था कि एक अंडा जो है वो तीस रुपए का हो गया है तो मैं उसको मशवरा दे रही थी कि क्यों ना हम घर के बाहर एक वो छोटा सा बनाते हैं वो मुर्गियों का कमरा और उसके अंदर हम घर की मुर्गियाँ पाल लेते हैं और जो है अंडे फ्री में मिलते रहा करेंगे तो जी यहाँ मैंने आंटी को बुलाया कि आके जो पराठा है वो तवे पे डाल दें उसके बाद मैं बना लूँगी आंटी जो है वो फ्रिज की सफाई कर रही थी तो महीने में एक दफ़ा हर चीज़ की अच्छी तरह डीप सफ़ाई कर लेते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा जो गंदगी सी है वो ना मचे तो यहाँ जी आंटी ने पराठा डाल दिया है और अब मैं इसको बनाऊँगी उसके बाद ऑमलेट और फिर बाकी घर की सफाइयाँ ऑमलेट कम ही होता है कि मुझसे गोल और बग़ैर टूटे बन जाए तो आज देखते हैं कैसा बनता है टूटता है या नहीं ऑमलेट को अम्मी बताती हैं कि बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएं तो ज़्यादा सही बनता है अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा तो आंच तो मैंने बहुत ज़्यादा हल्की कर ली है और नाश्ता नुमान को दे दिया था ये जी आंटी कर रही थी सफाइयाँ फ्रिज की आंटी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं हर सारे घर के काम भी कर सकती हैं कर लेती हैं और मैं जब स्कूल जाती हूँ वो जिमल को भी पीछे से संभालती हैं खाना शाना भी मेरे आने पे बना होता है तो इस तरह की सास हर लड़की को मिले मेरी दुआ है तो अल्लाह ताला आंटी को सेहत तो और तंदुरुस्ती फरमाए यहाँ जी आंटी ने वो सारी वो उसकी जालियाँ वगैरह उतार ली थी अच्छी तरह साफ़ कर ली थी अब जो जालियाँ हैं उनको वॉश करेंगी सुखाएंगी और फिर फ्रिज के अंदर करके तो उसके अंदर चीज़ें रखेंगी फ्रिज उतनी देर बंद कर दी थी इसलिए आंटी जल्दी जल्दी लगी हुई थी ताकि चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो जाएँ और जल्दी से मैं ना उन्हें फ्रिज के अंदर रख दूँ जीमल की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा तंग करती है काफ़ी रोती है क्योंकि वो दांत निकाल रही है ऊपर वाले तो उसकी वजह से काफ़ी चिड़चिड़ी सी भी हुई हुई है मेडिसन तो देते हैं बायो ट्वेंटी वन लेकिन फिर भी काफ़ी वो चिड़चिड़ी सी हुई हुई है जालियाँ सूखने के लिए रख दी थी और ये जी नाश्ते के जो थोड़े से बर्तन थे वो आंटी ने धोए अब जो किचन फ्रिज के अंदर जो है वो चीज़ें रखेंगे हम जो है सारे घर के काम खुद ही करते हैं तो मेड वगैरह नहीं रखी अक्सर घरों में है वो उन्होंने मेड रखी होती है लेकिन वो जो मोटापा फिर आता है तो फिर वॉक करती हैं तो मुझे लगता है कि वॉक करने के बजाय इंसान अपने घर का काम ही कर लेना तो वो ही उससे ज़्यादा फिटनेस आ ही नहीं सकती वॉक और घर के काम होते तो अलहदा है लेकिन इनसे घर के कामों से भी इंसान पे मोटापा नहीं आता फ्री बैठे रहेंगे फजूल सोचते रहेंगे और ख़ुद को परेशान करते रहेंगे खुश रहें कोई परेशानी आई है ख़ुद को मसरूफ कर लें कामों में वो परेशानी जो है वो खुद ही जहन से निकल जाएगी और आपका घर भी जो है वो मैनेज रहेगा तो बजहर तो सब ही देखने से खुश लगते हैं हम कहते हैं लो जी ये तो बहुत ही खुशकस्मत है इसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है लेकिन जो परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में होती हैं कुछ लोग उसको छुपाना जानते हैं और कुछ जो हैं वो सब के सामने इजहार करते हैं कि मेरे ज़िंदगी में तो ये हो गया है मुझे तो ऐसा हो गया मैं तो बहुत ही बदकिस्मत हूँ तो बस अल्लाह ताला का शुक्र करें और ख़ुद को जो है आपने अपने आप को खुद ही इम्पोटेंस देनी है तो यहाँ जी चीनी वाली और आटे वाली ये जो थी बास्केट्स इसके अंदर इनको साइड पे करके अच्छी तरह झाड़ू वग़ैरह फेरा क्योंकि आटा निकालते वक्त अक्सर जर रात वग़ैरह निकल जा गिर जाते हैं तो उनको अच्छी तरह साफ किया तो नुमान ने कहा कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दें मुझे कहीं जाना है वैसे तो ये जो सूट है ये धोबी इस्तरी करता है लेकिन कलफ लगाने वाली थी तो अभी तक वहाँ धोबी को दिए नहीं थे तो नुमान ने कहा कि अब आप ही करके दें ये आपका कसूर है कि कलफ नहीं लगाई तो मुझे लगता है कि कॉटन का सूट इसी करना और पूरे घर का घर की सफाई कर लेना एक बराबर ही होता है इतना मुश्किल लगता है मुझे तो तो यहाँ आंटी ने खाना शाना हमने दोपहर का खा लिया था फिर आंटी ने शाम को क्यारी की जो है अच्छी तरह से सफाई की और आंटी सफ़ाई पसंद बहुत ज़्यादा हैं सारा दिन वो कामों में लगी रहती हैं तो शुरू में मैं तो बहुत हैरान होती थी कि एक इंसान जो है वो इतना काम कैसे कर सकता है तो शाम टाइम हम रोटी जो है वो तवी पर बनाते हैं वो चाचू के घर के साथ अपनी ही तवी रखी हुई है तो यहाँ जी हम रोटियाँ बनाने आए तभी की रोटी पतली पतली अपना ही मज़ा देती है और ये जो लकड़ियों वाले चूल्हे पे जो खाना बनता है ना इसका जायका ही अलग होता है तो साथ जी मौसम भी इतना अच्छा ग्रीनरी भी आसपास और साथ जी तभी पे रोटियाँ रोटियाँ बन गई थी घर राय मगर की जाने भी होने लग गई थी तो जी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और अचानक प्लान बना खाना खा के फ्री हुए तो कि किसी एक यहाँ रिलेटिव रहते हैं उनके घर चलते हैं तो जी हमने दस मिनट के अंदर तैयारी की और हम चल पड़े उनके घर खाली हाथ तो जाना मुनासिब नहीं लगता तो रास्ते में हम रुके और मिठाई ली और फिर जी हम गए उनके घर तीन भाई जो हैं वो एक साथ मतलब साथ घर साथ हैं उनके तो आंटी ने यहाँ से स्वीट खरीदी है जो सुपर स्टोर है यहाँ भी हर चीज़ अवेलेबल होती है हमारे घर में किसी की भी बर्थडे हो तो फिर हम केक जो है वो यहाँ से ही मंगवाते हैं इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है मिठाई लेके जी हम उनके घर की तरफ चल पड़े हमारे घर से दस मिनट के फ़ासले पे जो है वो उनका घर है जिमल जो है वो लाइटिंग को देख के बहुत खुश होती है तो वो देख रही है कि ये जी मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ जी हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर और अब जी हम करेंगे गप शप थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापसी अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं तो दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़